एक सर्वे के अनुसार WWE के रेसलर्स ने 2022 साल में काफी मोटी रकम के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। उस लिस्ट में जिंदर महल, डॉल्फ जिगलर, शेमस, रोमन रेंज, ब्रॉक लेसनर जैसे सुपरस्टार के भी नाम शामिल है। पढ़ते हैं हमें आज के वीडियो टाइटल की तरफ, एंड वो है WWE हाईएस्ट पेड रेस्टर इन 2022। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, अब हमें चार बार पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके लिंक काम फटाफट कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाए। नंबर 16, केन। रिड ब्रैग मशीन केन ने काफी कुछ WWE से हासिल किया, एंड वो रिसेंट टाइम में WWE के हॉल ऑफ फेमर भी है। फिलहाल तो WWE में एक्टिव नहीं है, लेकिन तभी भी वो WWE से 9 लाख रुपए कमा चुके हैं। मतलब बिना WWE में एक्टिव रहे केन 9 लाख की कमाई WWE से कर ही रहे हैं। नंबर 15, जिंदर महल। जिंदर महल ने 2021 एंड 20 साल में शैंकी सिंह और उनके टीम के साथ वो आया करते थे, लेकिन उन्होंने कुछ खास किया नहीं। हालांकि उन्हें मैचेस हारे थे, लेकिन यहां पर जो है उन्होंने WWE से काफी अच्छी रकम भी कमाई है। जिंदर महल ने भी केन की तरह ही 9 लाख की कमाई की है WWE में रहते हुए। हालांकि अब जिंदर महल स्मैकडाउन लाइव में है, लेकिन फिलहाल के लिए उन्हें हमें देखने को नहीं मिल रहे, लेकिन उन्होंने तभी भी 9 लाख की कमाई WWE से कर ली है। 2022 में उन्होंने कमाए 9 लाख रुपए। नंबर 14, बैकी लिंच। रिसेंट टाइम में बैकी लिंच WWE की रॉ वीमेन चैंपियन है। समर स्लैम 2020 में उन्होंने वापसी की थी, एंड उसके बाद उन्होंने WWE में आते ही वीमेन टाइटल भी अपने नाम कर लिया था। लेकिन बैकी लिंच ने WWE से 10 लाख की कमाई कर ली है। WWE बैकी लिंच को अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर करती ही रहती है, यहाँ पर जो 10 लाख का उन्होंने कमाई तो कर ही ली है 2022 साल में। नंबर 13, शेमस। वैसे तो इस लिस्ट में टॉप 10 में शेमस का तो नाम नहीं आता, लेकिन हम इस सर्वे में आया है तो हम शेमस का नाम भी लेते हैं। तो देखो, शेमस रिसेंट टाइम में इतना कुछ ऐसा खास तो कर ही नहीं रहे WWE में, लेकिन उनकी WWE के साथ अच्छी बॉन्डिंग भी है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने WWE से 10 लाख की कमाई की है, जैसे बैकी लिंच ने की है। यानी शेमस ने भी 10 लाख रुपए कमाए हैं बिना WWE में अच्छा परफॉर्म किए। बट ये कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है, अगर कोई WWE अच्छा बुक करेगी तो WWE काफ़ी बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट भी देती है रेसलर को। नंबर 12, रोंडा राउजी। 2022 के रॉयल रंबल में रोंडा राउजी ने अपना रिटर्न किया, एंड रिटर्न ही नहीं, उन्होंने रॉयल रंबल भी जीता। और रॉयल रंबल से अभी तक उन्होंने WWE से एक नया कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया था, एंड लगभग उस नए कॉन्ट्रैक्ट में बताया जा रहा है कि उन्होंने कमाए हैं 12 लाख रुपए। पावर रोंडा राउजी का, क्योंकि आते ही उन्होंने WWE में 12 लाख का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। नंबर 11, डॉल्फ जिगलर। डॉल्फ जिगलर ने 2020-2021-22 में इतना कुछ खास किया है नहीं, लेकिन WWE ने उन्हें रीसेंट टाइम पर NXT में डाला है, एंड रिसेंटली वो NXT चैंपियन भी बने हुए हैं। बट 2022 के साल में उन्होंने कमाए हैं WWE से 15 लाख रुपए, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। 2022 में डॉल्फ जिगलर ने 15 लाख रुपए कमाए हैं, एंड यहाँ पर तो वो NXT चैंपियन भी है, तो ये डॉल्फ जिगलर के लिए काफ़ी अच्छी बात है। नंबर 10, द मिज। तो रिसेंट टाइम में द मिज हमें एज के साथ रायबर री में देखने को मिले थे, एंड यहाँ पर काफ़ी बढ़िया किया उन्होंने, एंड इनको इंजरी भी हुई थी, लेकिन यहाँ पर जो है उन्होंने WWE से इंजरी के वक्त भी काफ़ी अच्छी कमाई की है। एंड द मिज के कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार उन्होंने 25 लाख रुपए कमाए हैं WWE से। हालांकि व्हीलचेयर पे ही सही, लेकिन WWE में अपीयरेंस तो कर ही रहे थे मिस। नंबर 9, दी अंडरटेकर। WWE में लेजेंड कहे जाने वाले द लेजेंड दी अंडरटेकर, इन्होंने WWE से संन्यास ले लिया है, रिटायरमेंट ले लिया है, लेकिन ये WWE में फिलहाल भी WWE के साथ टच में है। WWE में इनका काफ़ी बड़ा योगदान है, लेकिन उन्होंने रिटायरमेंट में भी उन्होंने द मिस की तरह ही 25 लाख रुपए WWE से अर्न किए हैं बिना WWE में अपीयरेंस करे हुए। हालांकि अभी वो WWE के हॉल ऑफ फेमर भी बनने वाले हैं रेसलमेनिया के एक रात पहले। नंबर 8, गोल्डबर्ग। 2021 एंड 22 साल में तो गोल्डबर्ग हमें WWE में देखने को मिले थे। बॉबी लेशली के साथ उनकी राइवलरी हुई, एंड एलिमिनेशन चेंबर मैच में हमें रोमन रेंज एंड गोल्डबर्ग का भी मैच देखने को मिला। हालांकि यहां पर गोल्डबर्ग की हार हुई, लेकिन उसके बावजूद भी गोल्डबर्ग ने WWE से अर्निंग तो की है, वो भी काफ़ी मोटी अर्निंग की है WWE से गोल्डबर्ग ने उनके कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। तो गोल्डबर्ग ने WWE से 30 लाख रुपए अर्न किए हैं, क्योंकि गोल्डबर्ग WWE के एक अपीयरेंस के काफ़ी ज़्यादा लेते हैं, लेकिन ये तो WWE का कॉन्ट्रैक्ट था जो कि मैंने बताया। नंबर 7, सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। तो सेथ फ्रिकिन रॉलिंस तो आपको बता देगा काफ़ी बेहतरीन है। रिसेंटली टाइम पर 2021 में वो एज के साथ राइवलरी में देखने को मिले थे, रॉयल रंबल में भी थे,
रोमन रेंस के साथ मैच भी हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो है हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन उसके बावजूद भी सेथ रोलिंस को लोग पसंद करते हैं। यहाँ पर जो है उनको कॉन्ट्रैक्ट में गोल्डबर्ग की तरह ही उन्होंने 30 लाख रुपए WWE से अर्न किए हैं सेथ रोलिंस ने। नंबर 6 केविन ओवंस। तो देखो केविन ओवंस के लिए देखो फिलहाल तो WWE में काफ़ी अच्छा चल रहा है। यहाँ पर जो है पहले कुछ ठीक नहीं चल रहा था। सेथ रोलिंस के साथ वो टीम अप करते हुए नजर आए थे, लेकिन यहाँ पर जो है उन्होंने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया WWE से एंड उन्होंने WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है लगभग 30 लाख रुपए का ही, जैसे कि गोल्डबर्ग और सेथ रोलिंस ने साइन किया लगभग उनका भी सेम अमाउंट है। केविन ओवंस के ये अमाउंट है 30 लाख रुपए। नंबर 5 द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स। तो एजे स्टाइल आपको पता है 2020-21 साल में हमें ऑलमोस्ट के साथ में नजर आए थे। यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा कर रहे थे, ऑलमोस्ट ने इनको धोखा दे दिया था। उसके बाद एज अ सिंगल लड़ने लगे थे, उन्हें NXT में भी भेजा गया, लेकिन मेन रोस्टर में वो फिर से लाए गए। लेकिन उन्हें WWE के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया था लगभग, अगर मैं आपको कन्वर्ट करके बताऊँ तो यहाँ पर जो है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में केविन ओवंस सेथ रोलिंस गोल्डबर्ग की तरह ही 30 लाख रुपए अर्न किए हैं WWE से एंड यहाँ पर जो है एजे स्टाइल ने WWE के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया था पिछले कुछ दिनों में। नंबर 4 रैंडी ऑर्टन। द वाइपर रैंडी ऑर्टन WWE में काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं। आपको पता है रिसेंटली RK ब्रो यानी टीम के साथ रीडल के साथ हमें नज़र आते हैं। हालांकि अब रैंडी ऑर्टन को सिंगल लड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने तभी भी WWE से लगभग 45 लाख रुपीस कमाए हैं। ये अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि रैंडी ऑर्टन एक टैग टीम में भी काफ़ी अच्छा कर 45 लाख रुपए वो कमा रहे हैं रैंडी ऑर्टन, बताओ। नंबर 3 द ट्राइबल चीफ एंड हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस। तो रिसेंटली रोमन रेंस को तो आपको पता है देखो क्या अपनी तारीफ की जाए उतनी कम ही है। यहाँ पर जो है रोमन रेंस ने एक से बढ़कर एक सुपरस्टार को ढेर कर लिया एंड स्टिल अभी यूनिवर्सल चैंपियन भी है वो। ब्रॉक लेसनर का रिकॉर्ड टूट लगभग 500 दिन से भी ज़्यादा वो यूनिवर्सल चैंपियन है एंड यहाँ पर जो है उन्हें WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट में लगभग उन्होंने 50 लाख रुपए कमाए हैं। मैं कन्वर्ट करके बता रहा हूँ आपको डॉलर्स में। तो यहाँ पर जो है 50 लाख रुपए रोमन रेंस ने WWE के 2022 में ही कमा लिए हैं। नंबर 2 जॉन सीना। तो 16 टाइम चैंपियन जॉन सीना WWE में 2021 साल में लड़े थे, मनी इन द बैंक पेपर व्यू में भी हमें नज़र आए थे, यहाँ पर रिटर्न किया था उन्होंने। तो जॉन सीना के रिटर्न के बाद फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे जॉन सीना को देखकर, लेकिन उन्होंने अपने अपीयरेंस के तो जॉन सीना ने WWE के कॉन्ट्रैक्ट से पैसे लिए थे लगभग 85 लाख रुपीज़ एंड यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जॉन सीना है भी इतने बड़े सुपरस्टार की रेटिंग्स वो बढ़ा ही देते हैं, यहाँ पर वो डिजर्व भी करते हैं। 85 लाख रुपीज़ उन्होंने WWE से अर्न कर लिए हैं। नंबर 1 द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी तो कम ही है। यहाँ पर तो पता आपको कैसे है, समर स्लैम में उन्होंने अपना रिटर्न किया था एंड यहाँ पर जो है वो रोमन रेंस से फेस टू फेस किए थे एंड 2021 साल में WWE चैंपियन बने। एलिमिनेशन चैम्बर में भी उन्होंने अपने टाइटल भी रिटेन कर लिया था, हार कर जीत लिया था एंड यहाँ पर रेसलमेनिया में वो लड़ने वाले रोमन रेंस के अगेंस्ट एंड लगभग उन्होंने उनके कॉन्ट्रैक्ट से एयरटेल उन्होंने कमा है 1,20,00,000 रुपये उनके कॉन्ट्रैक्ट के एंड ब्रॉक लेसनर डिजर्व भी करते हैं एंड काफ़ी अच्छे सुपरस्टार भी हैं। देखते हैं कि क्या होता है रेसलमेनिया में रोमन रेंस को हरा पाते या फिर नहीं, देखना इंटरेस्टिंग हो। WWE तो फ्रेंड्स ये थी हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो WWE हाईएस्ट पेड रेसलर 2022। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत करना। चैनल पर पहली बार आया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, हमें कमेंट करके आपकी राय जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कौन सा हाईएस्ट पेड रेसलर रहना चाहिए था, नंबर 1 नंबर 2 पे नीचे कमेंट कर बताओ एंड इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप तक लेते हैं, गुड बाय, टेक केयर।